चाणक्य नीति, पति पत्नी का रिश्ता होगा मजबूत, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जानिए आज की चाणक्य नीति। सफल जीवन के लिए चाणक्य की नीति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सुखी वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के बीच मजबूत रिश्ते के लिए भी चाणक्य ने कई बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां काफी प्रसिद्ध हैं, जो कि हर व्यक्ति के काम आ सकती है। चाणक्य भारतीय इतिहास के एक सफल अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, सलाहकार, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य की नीतियां जीवन का दर्पण कहलाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसने चाणक्य की बातों को अमल कर लिया, वह जीवन में सफल होने के साथ ही हर रिश्ते को बेहतर ढंग से निभाता है। वैसे तो चाणक्य अपनी नीति में जीवन के लगभग हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं और हर रिश्ते के बारे में बताते हैं, लेकिन आज की चाणक्य नीति में हम जानेंगे पति पत्नी के रिश्ते बारे में। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता संसार का ऐसा रिश्ता है जो कि एक नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। एक रथ के 2 पहिए की तरह है पति पत्नी का रिश्ता। चाणक्य कहते हैं, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक रथ के 2 पहिए की तरह हैं। यदि एक पहिया किसी कारण डगमगा जाए तो रथ आगे चल नहीं पाता। इसी तरह पति या पत्नी में कोई एक व्यक्ति वैवाहिक रिश्ते को अच्छे से न निभाए तो इससे परिवार बिखरने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी परिवार की सुख शांति पति पत्नी की समझदारी और मधुर रिश्ते से ही टिकी होती है। साथ ही जिस घर पर पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं होते, आपस में बातचीत नहीं होती या तालमेल नहीं बैठता, वहां माँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती हैं। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हर पति पत्नी को चाणक्य की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दूजे का सम्मान करें। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, फिर चाहे दोनों की उम्र में जितना भी अंतर हो। चाणक्य कहते हैं, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि जिसमें सम्मान होता है वह रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। ऐसा करने से आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। धैर्य की जरूरत। चाणक्य के अनुसार वैवाहिक जीवन में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पति और पत्नी दोनों धैर्य बनाकर रखें। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों को धैर्य बनाकर बुरे वक्त का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में जो पति पत्नी संयम बनाकर आगे नहीं बढ़ते, उनका रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अहम न दिखाएं। पति पत्नी को हमेशा एक साथ हर काम को पूरा करना चाहिए और अहम या अहंकार की भावना से दूर रहना चाहिए। अहम से तू मैं की स्थिति पैदा होती है और रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। निजी बातें साझा न करें। पति पत्नी के बीच कई तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपस में ही सीमित रखना चाहिए। मजबूत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों इस बात का ध्यान रखें कि आपसी निजी बातों को किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। पत्नी को कैसे खुश रखना चाहिए। अगर आप अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आपको उसको समझना चाहिए, अर्थात अपने रिश्ते में आपके ऊपर वो सबसे अधिक ट्रस्ट करेगी, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा उसको समझना होगा, क्योंकि हर लड़की की शादी से पहले उसको इस बात की चिंता होती है कि उसको कैसा पति मिलेगा। ऐसे में आप उसको तभी खुश रख सकते हैं जब आप उसको सम्मान, इज्जत, प्यार, भरोसा आदि देंगे। यहाँ आपको एक अच्छा पति बनकर दिखाना होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी बीवी से उसकी पसंद के बारे में पूछकर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा पति बनना चाहेंगे तो आपके द्वारा किए गए बीवी के लिए छोटे छोटे कामों में उसको बहुत खुशी मिलती है। बीवी को खुश रखने के फायदे क्या होते हैं। अपनी बीवी को खुश रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य फायदों के बारे में आगे बताया है। बीवी को खुश रखने से आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाते हैं, जिसके बाद आपकी पत्नी आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखती है। पत्नी का आपके साथ झगड़ा बहुत कम होने लग जाता है और रिश्ते में प्यार और एक दूसरे से मोहब्बत होने लगती है। आप अगर अपनी पत्नी को खुश रखते हैं तो आप अपनी बीवी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। बीवी आपके खुश रहती है तो वह हमेशा आपको समझती है और हमेशा आपकी बातें मानती है।
पत्नी के खुश रहने से आप भी खुश रहने लगते हैं, जो आपके जीवन के तनाव है वह कम होता है। पत्नी को कैसे खुश रखें? बीवी को खुश रखने के बहुत सारे उपयोगी तरीके हैं, जिन सभी के बारे में वीडियो में आगे आपको बताया है। आप इनका उपयोग करके अपनी बीवी को हमेशा उसके वैवाहिक रिश्ते में खुश रख सकते हैं। पत्नी को समय देना। अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने काम में बिजी रहते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी बीवी को आपके प्यार की सबसे अधिक जरूरत होती है। रिश्ते में पार्टनर को समय देना प्यार को बढ़ाता है। यकीन मानिए, ये काम आपकी बीवी को बहुत खुश कर देता है। ऐसे में आप अपनी बीवी के साथ समय बिताते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उसको प्यार का एहसास दिलाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बीवी के साथ बातें नहीं करते हैं, नहीं समय बिताते हैं, तो ये रिश्ता दूरियां बनाने लगता है, जिसके कारण आपकी बीवी ऐसा होने पर आपसे कभी खुश नहीं रहती है। बीवी की तारीफ करना। जिस तरह अपनी बीवी के लिए कामों को करने में आपके मन में शक होता है कि क्या यह उसको पसंद आएगा, ऐसे ही बीवी को भी होता है। यहाँ आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको एक दूसरे को यह बताना होगा कि आपको वह कैसा लगता है। हाँ, लड़कों में यह बात कम होती है, लेकिन लड़कियों के मन में यह सबसे अधिक होता है कि क्या उसका पति उससे प्यार करता है, क्या उसको पसंद करता है। इसीलिए बीवी की तारीफ करना उसको खुश रखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें आप अपनी पत्नी के लुक, कपड़ों, खूबसूरती, ड्रेस, अदा, बालों आदि की तारीफ कर सकते हैं। ऐसा करने से आप दोनों के बीच नजदीकियां और प्यार बढ़ता है। पत्नी को उपहार देना। अपनी बीवी को खुश करने के लिए छोटे या बड़े गिफ्ट देना उसको खुश करता है, लेकिन इसमें आपका प्यार दिखाई देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें बीवी को खुश करने के लिए बहुत जरूरी होती है। आप अपनी पत्नी को प्यार से हग करें, अर्थात अपने प्यार को दिखाएं, ये सभी काम आपको भी खुश रखते हैं। गिफ्ट में आप गुलाब भी दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप अधिक पैसे खर्च करें, बस आपको अपने प्यार का इजहार करना है। पत्नी के लिए अपने प्यार को जताना या दिखाना। प्यार को दिखाने के लिए उसको जताना पड़ता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि महंगे महंगे गिफ्ट देकर बीवी को खुश करें, लेकिन आप एक गुलाब देकर भी अपनी बीवी की खुशी को बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपको अपनी फीलिंग को पत्नी के सामने दिखाना होता है, लेकिन जो पति ऐसे काम नहीं करते हैं, उनकी पत्नी के मन में ये शक भी उत्पन्न हो जाता है कि आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने प्यार को जताए। बीवी के गुस्सा होने पर शांत रहना। देखिए, गुस्सा हर व्यक्ति को आता है। ऐसे में अगर आपकी बीवी को गुस्सा किसी बात पर आया है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती है। लेकिन ऐसे स्थिति में अपनी बीवी को खुश करने के लिए आपको उसे हग करना चाहिए। ऐसा करने से गुस्सा शांत होता है और आप उसके लिए अपने प्यार को दिखाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के गुस्से को ड्रामा समझते हैं। आप ऐसे भूल न करें। भावनाओं को समझना। जब लड़कियों की शादी हो जाती है, तो ऐसे में वह चाहती है कि उनका पति उनकी भावनाओं को समझे और उनकी कद्र करे, क्योंकि लड़कियां बहुत भावुक होती है। लेकिन यहाँ अगर आप उनको समझ नहीं पाते हैं, तो वह खुश नहीं रहती है। जो लड़के अपनी पति को समझकर उसके साथ जीवन बीतते हैं, तो वह अपनी पत्नी को हमेशा खुश रख पाते हैं। आप अपनी पत्नी की इच्छाओं को जान सकते हैं, उसको हर समय अपना पूरा सपोर्ट दे सकते हैं, उसकी पसंद को पसंद बनाएं। पत्नी की केयर करना। अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी उसकी केयर करनी चाहिए। यहाँ आप अपनी बीवी का ध्यान रख सकते हैं। यह आप दोनों के दिल में आपके लिए प्यार अधिक बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ आप दोनों के इमोशन एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके साथ आप अपनी पत्नी के साथ में खाना खा सकते हैं, उसको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। यह आपके प्यार को दिखाता है, जिससे आपकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। बीवी की बातें मानना। यह एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि केवल आप समझदार हैं, तो आप अपने जीवन में ये गलती जरूर करते हैं। इसमें आप अपनी पत्नी की बातें को नहीं सुनते और मानते हैं, लेकिन ऐसा करना पत्नी को निराश कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के विषय पर पत्नी की बातें को सुनकर मानते हैं, तो पत्नी को बहुत खुशी मिलती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको इतना सही फैसला लेने की समझ नहीं होती है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है, तो भी आपको अपनी बीवी की राय अपने जीवन के विषयों के लिए लेनी चाहिए। इससे आप उसको खुश करते हैं।
लोगों के सामने बीवी को कुछ नहीं कहना। अगर आपकी पत्नी से कोई गलती हुई है तो ऐसे में आपको उसे सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। आप अकेले में उसको समझा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी एक दूसरे के लिए कभी बुरे ख्याल नहीं आते हैं, क्योंकि हर मनुष्य में ईगो होती है, हर किसी का अपना सम्मान होता है। अगर आप अपनी पत्नी को लोगों के सामने कुछ भी कहेंगे तो उसको ये बात सबसे बुरी लगती है। यह आपके रिश्ते को कमजोर करता है। लेकिन कभी कभी परिवार में पत्नी की बहस घर के लोग अर्थात माँ बाप भाई बहन आदि से होती है, तो ऐसे में आपको कभी किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आप बाद में अपनी बीवी को प्यार से समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पत्नी हमेशा अपने रिश्ते से खुश रहती है। खास दिन का ध्यान रखना। अधिकतर पति में हम यह बातें देख सकते हैं कि वह अपने जीवन के खास दिनों को भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियों को ये सभी बातें बहुत याद रहती है। ऐसे में लड़कियां अपने पति में ये देखती है कि वह उनसे कितना प्यार करता है। मैं जानता हूं कि आपके साथ ऐसा कभी न कभी हुआ होगा, लेकिन आपको अपनी बीवी को खुश रखने के लिए ऐसे दिनों पर उसको स्पेशल फील कराना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच प्यार बढ़े और आपका रिश्ता मजबूत बने। ऐसा करने से आपकी बीवी हमेशा खुश रहती है। बीवी को अनदेखा नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी पत्नी की बातें को अनदेखा करते हैं, लेकिन यह आपके रिश्ते पर बुरा असर डालता है। जब पत्नी आपको किसी काम के लिए इशारों में कहती है तो आप उसको अनदेखा करते हैं, लेकिन आपको यहाँ उसकी बातें को सुनना चाहिए। इससे आपकी पत्नी खुश रहती है। ऐसा करके आप अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके साथ अपनी पत्नी की हर समस्या को समझना चाहिए। ऐसा करके आप उसका हर समय दुख में साथ देते हैं। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे हमेशा खुश रहती है। यहाँ आपकी उसकी केयर करनी चाहिए। पत्नी पर ट्रस्ट करना। रिश्ते में आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, लेकिन यह एकदम नहीं बनता है। अगर आपकी शादी नहीं है तो आपके विश्वास को बनने में समय लगेगा, लेकिन अगर जब ये ट्रस्ट आपकी बीवी को देख ही देने लगता है तो वह बहुत खुश होती है। ये भी सच है कि शादी के बाद पत्नी के ऊपर पति या पति के ऊपर बीवी खुद से ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ रहना पसंद करती है और आप दोनों के इस रिश्ते से बहुत खुश रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।